12th students. Welcome to a physical education class. Today we see meaning, concept and types of aggression in sports. First we see what is aggression. Aggression is defined as a feeling of anger or antipathy resulting in hostile or violent behavior, readiness to attack or confront. In psychology aggression refer, refer to behavior that is intended to cause harm or pain aggression can be either physical or verbal and behavior is classified as aggression even if it does not actually succeed in causing harm or pain dekhi aggression means gussa और ये किस किस तरह का स्पोर्ट्स में होता है ये हम देखेंगे चाहे वो फिजिकल हो चाहे वर्बली हो ऑब्वियसली जो हम खेलते हैं तो हाइपर होते हैं चाहे वो शूटिंग करते समय हो चाहे वो गोल करते समय हो चाहे वो हमारा अपोनेंट वाला हमारे से बॉल ले रहा है तो उसमें तो एग्जन होना अपने आप ये नेचुरल होता है ठीक है अब वो वर्बली है या फिज़िकल है ये हम लोग आगे देखते जाएंगे कि किस तरह से स्पोर्ट्स में हमारा एग्जेशन बढ़ता चला जाता है और किस किस तरह से Uh, हम अपने ही गेम का uh, uh, गिरावट करना चले जाते हैं ठीक है फर्स्ट सीरियर बिहेवियर दैट एक्सीडेंटली कॉज हार्म और पेन इज नॉट एग्रेसेंट प्रॉपर्टी डैमेज एंड अदर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर मेनी ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्जिसन देखिए कोई एक्सीडेंट और ये होगा तो उसमें एक्सीडेंट का नहीं होता कभी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हम एकदम हाइपर हो जाते हैं या किसी और भी चीज़ में होता है कोई दो लड़ रहा है हम उसमें जाके हम अपने आप को करने लगते हैं गुस्सा आ रहा है जैसे हमें बड़े होते हैं तो गुस्सा करते हैं हमसे कि गलत काम नहीं करने से गलत काम नहीं करो इसलिए वो बोलते हैं तो आपको गुस्सा आना जायज़ होता है नई इसमें होता है इन ह्यूमन ब्रेन इन An area called the amygdala has been shown as cause aggression. Another area, the hypothalamus, is believed to serve a regulatory role in aggression. The hypothalamus has been shown to cause aggression behavior when electrically stimulated, but more importantly, has रिसेप्टर दैट हेल्प डिटरमाइन एग्रेशन लेवल बेस्ड ऑन देयर इंट्रेक्शन विथ देयर न्यूरोस्ट्रेजी न्यूरोमीटर सेक्रोटर एंड वेस्पोप्रेसिन यानी हमारे ब्रेन में जब किसी देखते हम किया तो गलत होते हुए देखते हैं या हम जो अचीव करने जा रहे हैं वो नहीं हो पाता हमारा तो आपस में हमारा ब्रेन बैलेंस डिसबैलेंस करता है और हाइपर हो जाता है यही एग्रेशन में आता है कि जो हमारा बिहेवियर भी अलग से होने लगता है ठीक है यदि कभी देखते हैं कि हम कि हमको को, कोई हम काम कर रहे हैं और हमारा काम नहीं होता तो अपने अपने झुंझलाट सी बजने लगती है यही स्पोर्ट्स में भी होता है कि हम अपने अचीव के पास चले जा रहे हैं और फिर वहाँ पर जाके रुक जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा या हाइपर होंगे अपने अपने खूब वो करेंगे तो यही ये यह स्पोर्ट्स में दिखाता है कि कैसे होता है कभी कभी तो लड़ाई तक होने लगती है आगे पिक्चर में आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है इन स्पोर्ट्स एग्रेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन हैव मेनी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस एग्रेशन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर Distract toward the goal of harming or injuring another living being who is motivated. Avoid such treatment. Most people view aggression as a negative psychological characteristic. However, some sports psychologists agree. दैट एग्रसन कैन इम्प्रूव परफॉर्म दिस इज़ कॉल्ड एंड अस्रेटिव बिहेवियर कभी कभी जब हम अपने बिल्कुल अचीव के पास आ रहे हैं हमारा अचीव नहीं हो पाता है जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल में हमारा बिल्कुल इंड तक छिला गया कि अब गोल होने वाला है और उतने में हमारा अपोनेंट हमसे बॉल छीन लेता है तो उस समय हमारा हालत क्या होता है वो हमको पता चलता है ठीक है तो आ, यही बिहेवियर एक है साइकोलॉजिकल जो होता है कि अरे वो आते आते नहीं आए तो ये यदि हम निराश हो जाएंगे नहीं कर पाएंगे और अपने आप को एग्रेसन नहीं करेंगे तब भी आगे नहीं बढ़ सकते तो यहाँ पर गुस्सा आना भी जायज होता है ना एग्रेशन इन स्पोर्ट्स एग्रेशन इन स्पोर्ट्स हैज बिन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज हॉस्टलाइज एग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन देखिए कभी कभी होता है ना कि वर्बली अपने आप को वो खूब बोल रहे हैं मोस्टली क्रिकेट में आपने देखा होगा कि वो बैट्समैन कर रहा है वो बॉलिंग कर रहा है तो एब्यूज लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं कुछ चीज़ को डैमेज कर रहे हैं ये चीज़ हॉस्टलाइज एगन में आता है सी हीर द मेन एम इज़ टू कॉज हार्म और इंजरी टू योर ओपोनेंट दिस इज ऑफ्टन वायलेंट एग्जाम्पल इंक्लूड हिटिंग योर ओपोनेंट रोटनिंग damaging public property and sports facilities hostile aggression is always within an instant the destroy and harm this is unexposed men like and air is prohibited in all sports होता है कभी कभी कि स्पोर्ट्स में हमारे को नहीं हो पाता है या एम्पायर हमारे को सही डिसीजन नहीं दे पाया तो हम बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं और धक्का मुक्के भी करने लगते हैं एब्यूज लैंग्वेज यूज करने लगते हैं तो ये एग्रेसन इसमें ही होता है नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेसन वैन द मैन मैन एम इज़ टू अचीव अ गोल बाई यूजिंग एग्रेसेंट इट इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेसेंट देर इज़ नो एंगर इन the type of aggression contact sports is often is often where is sort of aggression is mostly used for example a hockey player using aggression in tackle his opponent using the hockey stick to snatch the ball the player is not using his aggression

काफ़ी जो एक्सपीरियंस होता चला जाएगा खेल में जो अच्छा होता चला जाएगा जितना उसको स्किल अच्छे से आती चली जाएगी उतना सेल्फ उसका कंट्रोल रहेगा और उतना ही उसके गुस्से पे भी कंट्रोल रहेगा एंड उसका माइंड भी उतना जाएगा कि यदि वो मैं अभी गोल नहीं कर पाया हूँ मुझे दोबारा कैसे गोल करना वो माइंड में लाएगा ना कि वो गुस्सा होते हुए खड़ा रहेगा कि ये गोल नहीं हुआ तो अब क्या होगा ठीक है तो हमेशा जैसे हीट कर रहा है इसमें भी हॉकी में बॉल अपोनेंट आ रहा है और वो बॉल ले रहा है उतनी में उतने जोर से वो हीट करा तो जितना आप एग्रेसिव होकर बॉल को हीट कर लेंगे उतना अच्छे से वो चले जाएगा तो ओपोनेंट को किस तरह से हमें डिफेंस करना है किस तरह से हमको अपने आप को बचाना है ये चीज़ पूरा एग्रेसिव इसमें ही आता है ठीक है नेक्स्ट असर्टिव बिहेवियर इन स्पोर्ट्स असर्टिव बिहेवियर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एग्रेशन इन विच स्पोर्ट्स पर्सन यूज वर्बल और एट times physical force to achieve a goal. Sadly, in cricket is a classical example of assertive behavior. There is no intention to harm or cause hurt. Most trainer expect their students to be assertive when they increase assertive behavior. देखिए कई बार होता है मोस्टली uh, आप देखे देखेोगे क्रिकेट uh, खेलते जैसे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था तब कितने एब्यूज लैंग्वेज यूज़ करते हैं? उनका इंटेंशन नहीं होता बट उस समय हमको ये आता है कि हमको जीतना है और इससे हम कितना उससे करते हैं? तो जब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए जित तक हम अपने आप को माइंड में मेकअप नहीं करके रखेंगे और जितना हमको अच्छे से स्किल आएगा जितना हम अच्छे गेम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उतने अच्छे से हमारा गेम आगे बढ़ता चला जाएगा A player' personality play a vital role, or and determine whether they are aggressive or not in certain situation. In sports, certain event trigger stress. This stressor can help in understanding what caused an athlete to become frustrated, which can lead to aggression and a decline in performance. Stress can have a negative impact in, on performance and has been shown to even increase the likelihood of injury. Learning how to deal with stress in the key. As player must find way to overcome this problem. देखिए कितना भी आप स्किल में यदि अच्छे से होगा आप अच्छे से गेल खेलेंगे तो उतना ही स्ट्रेस आपका उतनी एग्रेसिव आप ग्राउंड में कम होंगे ठीक है और हमेशा गेम में जितना आप अचीव करते चले जाएंगे जितना आपको हारने जीतने का एक्सपीरियंस होता चला जाएगा उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होता जाएगा देखिए इस पिक्चर में भी देख रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं और वो नहीं आया तो एग्रेसिव उसको ये इंटेंशन नहीं है कि उसको गिराना है वो नेचुरल रूप से एग्रेसिव हुआ और वो नहीं हो रहा तो वो अपने आप में गिर रहा है उसके ऊपर दूसरा भी गिर रहा है सेम इन बॉक्सिंग वो लगा रहा है उसको दो लगाया तो वो एग्रेसिव हो रहा है सामने वाला उसको फिर बॉक्सिंग में ही वो करेगा तो ये चीज़ एग्रेसिव होने से ही आता है एक तरफ से बहुत अच्छा भी है और ये ज़्यादा एग्रेसिव होना भी गलत है ठीक है अब हम देखेंगे एग्रेसिव मैनेजमेंट टेक्निक सी वाट इज पॉइंट्स ऑफ एग्रेसिव मैनेजमेंट टेक्निक्स डीप ब्रीदिंग ड्रिंक वाटर फॉलो एडवाइस साइकोलॉजिकल बैलेंस नो क्रिटिज़म फोकस योर टारगेट सफिशेंट प्रैक्टिस सेल्फ कॉन्फिडेंस इनक्रेजमेंट पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी स्टेइंगल एंड कॉन्फिडेंट एवॉइड द कंपनी ऑफ स्ट्रेस्ड पर्सन ठीक है ये आते हैं इसमें एग्रेसिव यदि आप अपने आप में हो जाते हैं या कभी हमको लगता है कि मैम नहीं कर पाऊँगा तो हमें क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट यू टेक डीप ब्रीदिंग यानी लंबी सांस लेना छोड़ना लाइक प्राणायाम अलोम विलोम सी अग्रसन कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू डीप ब्रीदिंग इवन योगिक प्राणायाम लाइक अलोम विलोम कपाल भाती आर ऑल्सो इफेक्टिव यानी प्राणायाम यदि आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और उसमें आप देख लीजिए योगा हर तरफ हर तरफ से हर उसमें गवर्नमेंट भी करते जा रही है कि हर गेम्स में योग का एक चैप्टर होना बहुत ज़रूरी है कारण फ्लेक्सिबिलिटी आपका कंसंट्रेशन आपका डीप ब्रीदिंग ब्रीदिंग वाला मीनस प्राणायाम ये खेल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है यदि आपका श्वास नहीं आ, ठीक से चलेगा जैसे हम वेट लिफ्टिंग में वेट उठाते हैं तो श्वास रोकते हैं ये स्विमिंग करते हैं अंदर ब्लो फ्लोटिंग करते हैं तब हम श्वास रोकते हैं गुस्सा आता है यदि हम श्वास रोक के अलग से दूर में जा श्वास रोकना छोड़ना करें तो अपने आप में हमारा माइंड शांत होता चला जाता है तो कभी भी यदि एग्रेसिव हो रहे हम खूब ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यदि आपका कोच होगा तो बोलेगा चाहिए आप अपने कमरे में बैठो और थोड़ा धीरे धीरे लंबी सांस लो और लंबी साँस छोड़ो नेक्स्ट ड्रिंक वाटर वॉट ड्रिंक वाटर वेन सिम्टम्स ऑफ एडिसन इज़ डेवलप ठीक है कभी यदि आपको लगता है कि मैं गुस्से में आ रहा हूँ या सामने वाले दोस्त को देख रहे हैं गुस्से में आ रहा है तो उसको एक गिलास ला कर पानी पिलाओ ठीक है एंड अवॉइड ओवर ड्रिंकिंग वाटर नेक्स्ट फॉलो एडवाइस यदि आप किसी को फॉलो करते हैं यदि आप अपने कोच को फॉलो करते हैं अपने टीम के कैप्टन को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका इससे दूर हो सकता है फॉलो द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट एंड टेक देयर सजेशन एंड गाइडेंस एवॉइड मल्टीपल सजेशंस फ्रॉम दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट नहीं उसका एडवाइस मत लो कैप्टन का एडवाइस लो आपका टीचर है आपके पेरेंट्स हैं इन लोगों का एडवाइस लेना चाहिए नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैलेंस ये माइंड बैलेंस आपका बहुत जरूरी है यदि आप एग्जिव और आप सामने वाला भी वो आपको बक रहा है तो आप भी बकते चले गए तो यहाँ पर आपका माइंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स में मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है तो यहां ये तो यहाँ पर अपना यदि बैलेंस रख लिए सोच रहे जब बोलने दो उसको उसको गेम खेलना नहीं आता इसलिए वो इस तरह से बोल रहा है तो आपको अपने आप पर इन चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए द साइकोलॉजिकल बैलेंस शुड बी मेनटेन बिफोर द एक्टिविटी डू नॉट फील स्ट्रेसफुल एंड प्रिपेयर योर सेल्फ साइकोलॉजिकली फॉर द एक्टिविटी डू नॉट शो पैनिक रिएक्शन कभी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखो और ये जभी होगा जब ये अच्छा प्लेयर होगा अच्छी प्रैक्टिस कर लिया होगा कई बार वो जीत हार का अपने इसमें अंदर ले लिया होगा तभी साइकोलॉजिकल बैलेंस बनता है नो क्रिटिज्म किसी से क्रिटिसाइज मत करो ज़्यादा सपोज़ आपको एम्पायर ने गलत डिसीज़न दिया है चलो वो एम्पायर डिसीजन वो लास्ट डिसीजन होता है कभी उससे क्रिटिसाइज मत करो कि वो आगे भी आपको आ, कुछ पॉइंट में गलत कर सकता है क्योंकि आजकल ये इट इज़ ह्यूमन पर्सनालिटी कि तुम मुझे ऐसा बोला है तो मैं उसको अब आगे बताऊंगा तो इसलिए क्रिटिसिज्म मत करो वन शुड नॉट क्रिटिसाइज एनी और anything before बिफोर परफॉर्मिंग स्ट्रेसफुल एक्टिविटी क्रिटिस क्रिटिसाइज लीड टू जितना आप क्रिटिसाइज करोगे जितना सामने वाले को बोलोगे उतना ही आप गुस्सा बढ़ता चले जाएगा इसीलिए एक्टिविटी के पहले पूरी तरह से कूल माइंड रखो अपने आप को गेम में परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए नाउ फोकस योर टारगेट बहुत ज़रूरी है कि आप जितने के लिए आए हैं तो आप अपनी पूरा फोकस अपने जितने पर रखो चाहे आप कोई सा भी गेम खेल हो किसी भी पोजीशन में खेल रहे हो टीम गेम में या इंडिविजुअल में तो अपना टारगेट को बना के रखना है कि मुझे आ, जितना है वो हारा जीता बात की बात है बट आप अपने उसमें कहोगे कि आई एम डिटर्मिंड टू गो देर तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं द पर्सन शुड फोकस और कंसंट्रेट टू वर्ड टारगेट डू नॉट गेट डिस्ट्रेक्टेड टू वर्ड अनरिलेटेड और नॉन रिक्वायर्ड थिंग्स ठीक है अपना टारगेट अपने आप बना के चलना चाहिए नेक्स्ट सफिशियंट प्रैक्टिस यदि जितना आपका प्रैक्टिस होगा गेम में आपको गुस्सा कम आएगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देते चले जाएंगे उतना ही आप डिफेंस करते चले जाएंगे अपोनेंट पार्टी का टीम का वन शुड डू सफिशियंट प्रीवियस प्रैक्टिस ऑफ देयर एक्टिविटीज सो दैट इंडिविजुअल शुड बी कंफर्टेबल विद द एक्टिविटी प्रीवियस एक्टिविटी में यदि आपका कुछ गड़बड़ हुआ है तो उससे आपको सीख मिलेगी कि मैं पिछले इसमें ये गड़बड़ किया था अब आगे मैं गड़बड़ नहीं करूँगा अपनी प्रैक्टिस अच्छे से किया हूँ तो अपने आगे अच्छा जाएगा नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द गेम्स नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस नॉट अ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है आपका जितना आप सीखे हो जितना आपका कोच आपको बताया है जितना आप गेम में एक्सपीरियंस गेन किए हो उसको खुल के आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो लाइक इंडिविजुअल शुड बी सेल्फ़ कॉन्फिडेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटी वेरियाज ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी डेवलप ना तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस काम आएगा और ना कॉन्फिडेंस की कमी आपको काम आएगी जितना आप एक्सपीरियंस गेन कर गए हो उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आता है इनक्रेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गेम में हारे हो जीते हो गोल एक कर लिया हो दो गोल अपोनेंट वाला कर लिया मेरा नहीं बना है उसमें इंकरेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है द पर्सन शुड बी मोटिवेटेड द इनक्रेज बाय क्लोज वंस दिस एस्टेब्लिश द एन्जाइटी लेवल यदि आप हार रहे हैं उसमें भी आपका कोई क्लोज हो जैसे कोच है आपके पेरेंट्स से आपके फ्रेंड्स से वो आपको इंकरेजमेंट कर रहे हैं नहीं यार तू हार गया था कोई बात नहीं अब एक गोल हो गया तो कोई नहीं आगे बढ़ो कम ऑन बकअप आप जो इसी है टीम का ओपोनेंट लिख बैठते हैं बकअप करते हैं कि खेलो खेलो तो इस ये बहुत जरूरी है इंक्रेजमेंट करना नेक्स्ट है प्रैक्टिस इन फिजिकल एक्टिविटी सी यार इफ देयर इज़ स्ट्रेस एंड एंगजाइटी दैन इंडिजुअल शूड प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन फिज़िकल एक्टिविटी इट बैलेंस इन इंडिजुअल्स साइकोलॉजिकल स्टेट देखिए प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती चले जाएगी ठीक है कोई भी गेम में आप एक्सरसाइज अच्छे से किए हैं आप फ़िजिकल फ़िट हैं तो आपका बैलेंस अच्छा सा चला चला जाएगा एंड साइकोलॉजिकल यू आर फ़िट कि नहीं मैं खेल लूँगा माइंड भी अच्छा है आपका यू आर फ़िज़िकल फिट भी ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में नेक्स्ट है स्टेइंग कूल एंड कॉन्फिडेंट कभी भी यदि एक गोल हो गया सामने वाले का कॉन्फिडेंट रखो अपने आप में और कूल cool माइंड रखो ये नहीं सोचो कि ही गोल कर दिया है तो मैं अब क्या करूँगा या ये डिप्रेस हो होगा बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए तो द पर्सन हैविंग हाई स्ट्रेस एंड एंगजाइटी शुड स्टे कूल एंड कॉन्फिडेंस यदि आपको तनाव आता भी है उसको कूल cool रख के करो हारना जितना कोई बात नहीं एक्सपीरियंस गेन करेंगे आप चाहे हारे चाहे जीतें मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि गेम में पहली बार हारना बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ और क्योंकि एक बार जीत गया और उसके बाद हारोगे ना वो ज़्यादा कठिनाई होता बजाय हारने के बाद जीतने का मजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है नेक्स्ट है अवॉइड द कंपनी ऑफ स्ट्रेट पर्सन द स्टेट सर शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ स्टेज पर्सन एंड स्टे अलोन यदि कोई आपको स्ट्रेट देता भी है तनाव देता तो उससे दूर हो जाना अच्छा है आप अपने आप में अपना कॉन्फिडेंस तो टाइट करके रखो अपने आप को कर रखो मेन है स्पोर्ट्स में मेन कॉन्फिडेंस आप यदि पूरी तरह से प्रैक्टिस किए हुए हैं पूरी तरह से आप फिजिकल फिट हैं मेंटली फिट हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता ठीक है ओके थैंक यू